कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। राजन सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुन लिया मैंने। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके गुड इवनिंग सर। बहुत गुड इवनिंग। ओके सबको अपने अपने वो जो जिन्होंने भी ये ग्रेटिट्यूड बॉक्स खरीदा था मिल गया सबको? कोई बाकी है? कभी नहीं मिला। कभी रजिस्टर किया था आपने? मैंने एक्चुअली परसों पेमेंट करी थी और कल फॉर्म में कोई एरर आ रहा था भरने में। ओके तो आप भी आपको कल मिल जाएगा। कल मिल जाएगा। सो लेट अस नॉट ठीक है ना। ओके जो उसके अंदर जो टूल्स हैं उसमें एक जो है ये अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल है। ओके so there are, I have not received. Okay Rajiv, I think you must have registered today or yesterday. So anyway it is on the way. मतलब अभी तक जितने हो गए थे वो सब parcel निकल गए सबके। So this is the one book that you all have received. This is the abundance gratitude journal. मैं लगे तो एक दो दिन के बाद या तो कल मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है क्योंकि अभी भी और भी काफी लोगों को आज dispatch हुआ है। So tomorrow I will share. Okay जिन्होंने ये book नहीं खरीदी इट इज ओके। अगर आप खरीदना चाहो तो अभी भी आप ले सकते हो। यू पे द डिफरेंस बैलेंस। इफ यू हैव नॉट बॉट इफ यू डोंट वांट टू बाय इट इज ओके। आपने एक रजिस्टर लेना है और आपने ग्रेटिट्यूड लिखना है। देखो ये सब कैसा है। दिस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। मैंने इस बुक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है और उसके अंदर एक फॉर्मेटिंग दिया हुआ है आपने अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने का। और ये जर्नल ऐसी है जो आपको 90 डेज चैलेंज है मतलब 90 दिन तक इसमें रोज ग्रेटिट्यूड लिखना है। अब ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है क्या लिखना है मैं आपको लगे तो कल बताऊंगा। मैं जब सबके पास ये बुक आ जाती है या तो मंडे ट्यूसडे को बताऊंगा। मैं मंडे को शायद आई एम नॉट हियर आई एम नॉट इन द क्लास सो नॉट इफ नॉट ऑन मंडे आई थिंक ट्यूजडे मे बी नेक्स्ट वीक में मैं आपको ये पूरा आई विल शेयर विथ यू। मैं लगे तो ट्यूसडे को आई विल शेयर हाउ टू राइट दिस बुक और इस बुक में कैसे लिखना है इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाना है। ओके सो यू कैन गेट द बुक बाय यू हैव टू कॉन्टेक्ट रश्मि टुमारो। सो हु ऑल दोज पीपल हु हैव पेड 4,500 दे हैव गॉट दिस अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल दे हैव गॉट दिस ग्रेटिट्यूड कार्ड जो आज हम पढ़ने वाले हैं और एक अफर्मेशन कार्ड है वो भी पढ़ने वाले हैं आज। राइट एंड दिस इज द नो एवरीबडी कैन जस्ट पिन माय वीडियो इफ यू वांट। सो दीज आर द छह बिजी फेक भी लाम ने जरा एक कौन रही है। दिस इज द गिविंग प्लेट है जो मैंने डिजाइन की है। दिस इज द गिविंग प्लेट। दोनों ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये गिविंग प्लेट का कॉन्सेप्ट ऐसा है जस्ट टू मेक यू अ गिवर। इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ पैक करके कुछ गिफ्ट बना के आपको लोगों को देना है। जैसे कि हम किसी के घर पे जाते हैं तो वी गिव सम केक या चॉकलेट या कुछ लेके जाना है तो यू टेक इट ऑन दिस गिविंग प्लेट। या घर में कुछ खाना बनाया आपने तो आपने इसके ऊपर पैक करके इसको देना है। द आइडिया ऑफ द गिविंग प्लेट इज That the journey of the giving plate will never end. आप जिसको प्लेट दोगे वो इस प्लेट का ओनर नहीं है उसको भी कुछ आटा जो भूल गया होगा और आगे पास करना है। एक चम्मच घी थोड़ी सी शक्कर कोल भी हो गया अंदर। किसी को कोहोस्ट बना दीजिए प्लीज। अजी किसको बनाऊ? किसी को कोहोस्ट बना दीजिए वो अनम्यूट का ख्याल रखें। आई नो वन मिनट आई विल जस्ट ओके आई विल नॉट अलाउ
Anyway, so this is the giving plate. The idea of giving plate is, I want you to be trained as a giver. आपने giver बनना है. I am training you to become a giver because the reason is Newton का third law ये कहता है, every action has equal and opposite reaction. आप अगर किसी को कुछ दोगे, अरे तो म्यूट कर दो ना, म्यूट कर दो अंदर से. ओके, थैंक यू. कोई बात नहीं, म्यूट कर दो, म्यूट. ये मेरे से भी क्यों नहीं हो रहा म्यूट? ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज द गिविंग प्लेट. बिकम अ गिवर. We are getting trained. अरे ये किसका, कहां से आवाज आ रहा है? Okay, so you become a giver. देने में जो मजा है वो लेने में नहीं है. एक बार try करके देखो, बहुत मजा आएगा. क्योंकि धीरे धीरे I am going to train you all to give 3 notes. अब आज से सबने, कल से शुरू करना है. कल से एक प्रैक्टिस हम ये शुरू कर रहे हैं, आपने 3 नोट को देना है. भले 10 रुपये की नोट दो, चाहे 20 की दो, 50 की दो, 100 की दो, बट यू गिव विद गुड फीलिंग्स. आई एम टेलिंग यू, प्ले दिस गेम. ये गेम को खेलना, बहुत मजा आएगा. इफ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन टू योर लाइफ, अगर आपको जिंदगी में पैसे कमाना है, जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं. पहले अपना माइंडसेट को ठीक करो. जब तक माइंडसेट ठीक नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे. यू हैव टू हैव अ गुड माइंडसेट, मनी माइंडसेट. मनी मैग्नेट का माइंडसेट बनाना है आपको. जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, तब तक आपको पैसे नहीं आएंगे. और मनी माइंडसेट बनाने के लिए आपको पैसे पहले देना पड़ेगा. ये गिविंग प्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. ये 3 types की अलग अलग प्लेट्स हैं. सो दिस इज अबाउट लव. ये है ग्रैटिट्यूड. नाउ दिस इज द ग्रीन कलर प्लेट, इज फॉर ग्रैटिट्यूड. और ये वाला जो है वो गुड लक प्लेट है. तीनों को अलग अलग कलर से मैंने अलग अलग डिजाइन बनाई है. सो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल इज, यू जैसे कि अभी आप किसी के घर पे जाओगे तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो, तो टेक इट ऑन अ गिविंग प्लेट. स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग. सो स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग. ये गिविंग का कॉन्सेप्ट, गिविंग का माइंडसेट करो, राइट? एंड रिमेंबर, जब भी आप किसी को नोट भी देते हो या ये गिविंग प्लेट के ऊपर कुछ पैक करके भी देते हो, गिव विद गुड फीलिंग्स. फीलिंग्स इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर. अब मैंने कल आपको बताया था फीलिंग्स के बारे में. तो फीलिंग्स का ऐसा है, फीलिंग्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स. वो कल आप, सी आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, यू प्लीज कॉन्टेक्ट रश्मि टुमारो. व्हाट इज द कॉस्ट, क्या है क्या नहीं. 200-300 रुपए की प्लेट है. आई थिंक इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. आई थिंक 200-300 रुपए की है. सो जस्ट टॉक टू हर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, ये हम जो अफर्मेशंस कर रहे थे, मैंने कल भी आपको बताया था अफर्मेशंस करो तो फीलिंग्स के साथ करो. होता क्या है, व्हाट इज फीलिंग, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स. फीलिंग्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स. भगवान को, मतलब यूनिवर्स जो है, हमारी भाषा में हम उसको यूनिवर्स कहते हैं. आप उसको भगवान भी कह सकते हो, आपके पेरेंट्स कुड बी योर गॉड, एनीबडी. उनको इंग्लिश नहीं समझता, हिंदी नहीं समझता, मराठी नहीं समझता, तेलुगु नहीं समझता, बंगाली नहीं समझता, पंजाबी नहीं समझता. यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स. यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स. जैसे आपको फीलिंग्स आती हैं, योर बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ द फ्रीक्वेंसी. आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस आती हैं, करेक्ट? जो लोनावाला में आए थे, हमने किया था वो एक्सरसाइज, पेंच में भी किया था हमने वो एक्सरसाइज. यस, रिमेंबर, बॉडी में ऐसी झनझन झनझन होती है. सो व्हेन यू आर इन लव, एक अलग टाइप की फीलिंग आती है. व्हेन यू आर हैप्पी, एक अलग टाइप की फीलिंग आती है.
Correct? When you are grateful to somebody, feeling is very different. Similarly, these are good feelings. Similarly, bad feelings, matlab jab aap gusse mein aate ho, to aapka sharir aise aise, you know, your heartbeats become fast. When you are angry, when you are fearful, when you are worrying, जब आपको चिंता होने लगती है कि बच्चा घर पे क्यों नहीं आया, जो उसका जो फीलिंग्स रहता है, वाइब्रेशंस रहता है, वो अलग रहता है. सो गुड फीलिंग्स बैड फीलिंग बोथ हैव फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. दिस ऑल्सो हैज गॉट फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. और यूनिवर्स को फीलिंग्स समझती है, यूनिवर्स को वाइब्रेशन समझता है, यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी समझती है. निकोला टेस्ला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने ये एसीडीसी करंट का इन्वेंशन किया था, जो हमारा रिमोट चलता है ना, उसका इन्वेंशन किया था. आई एम टॉकिंग अबाउट 100 years ago. तो उन्होंने बोला है एक सेंटेंस, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी. अगर आपको ब्रह्मांड की रहस्य को जानना है तो आपको इन तीन चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है उस वो एक वाइब्रेट कर रही है एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंड यूनिवर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर पैसे किसी को देते भी हो तो अच्छे भाव से दो, अच्छे मन से दो. गिविंग प्लेट के ऊपर कुछ दे भी रहे हो तो अच्छे मन से दो, अच्छे भाव से दो. नाउ दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट वी हैव टू फॉलो, बिकॉज वी वांट टू बिकम अ मनी मैग्नेट, वी वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ अबंडेंस, वी वांट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ. हमें एक अद्भुत जिंदगी जीना है, इसके लिए हमें ये सब करना है. और मैं आपको जो जो बता रहा हूं या जो जो समझा रहा हूं, दैट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, विच इज द सेम थिंग वॉट रजनीश हैज बीन टीचिंग, या श्री श्री रविशंकर के तो बहुत सारे वीडियोज हैं, बीके शिवानी जी कहती हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, न्यूटन कहता है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल की भी स्टोरीज बताऊंगा मैं आपको. सो दे आर ऑल टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग, एंड नाउ वी आर लर्निंग दिस टेक्निक्स टू क्रिएट अबंडेंस इन अवर लाइफ, टू हैव अ हैप्पी, वी वॉन्ट टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. अगर हमें लंबी अच्छी हेल्थी जिंदगी जीनी है तो ये सब टेक्निक्स को समझना पड़ेगा. ओके, सो एनीबडी हैज एनीथिंग टू शेयर बिफोर वी स्टार्ट? वी हैव 3 more minutes. एनीबडी वुड लाइक टू शेयर समथिंग? ओके, आई जस्ट अलाउ और मे बी रेज योर हैंड. ओके, नीनू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. गुड इवनिंग सर, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. Good to see you after Lonavala. Sir, आज तीसरा दिन है आपके क्लास का, और अश्विन मैम के तो मैंने किया ही है अरविंद सर का, लेकिन आपका अभी मैं फॉलो कर रही हूँ. और मैंने कुछ स्टिकर्स और बुक्स खरीदे थे लोनावला में, आई एम फॉलोइंग दैट. एंड टूडे सर, और थर्ड डे ऑफ योर क्लास, आई रिसीव 2 lakh rupees टोटली अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फ्रॉम माई फ्रेंड for some work I had done in past, and I had done it with no expectation. It was some help I had done for something, but he said nahi mera bahut fayda hua hai karodon mein, this is just part payment, I will get more. So money is coming to me, money is coming to me. Yes sir, mere rongte khode ho gaye, sham ko unexpected phone aaya, and that friend is flying to UK Tonight, I said, तू बाद में आके देना, क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, मुझे अब भी देना है, तेरा अकाउंट भेज ना, मेरे को अब भी देना है. I want to give before I go, and when I come back, I will give more. So, wow, thank you, sir. Thank you so much. Wow, Neenu, wow. Okay, so let me introduce you to Neenu. Neenu, Miss India है. She is the Miss India. उनको award मिला है. She is the Miss India. And she had come to Lonavala. Thank you very much. Thank you. So, मेरे cousins भी है आज group में, उन लोगों ने भी join किया है. मेरी sister ने भी join किया है.
So and, she Miss India wheelchair. ये व्हीलचेयर पे आई थी लोनावाला में. मैं उनके लिए उनका रूम देखने गया था कि व्हीलचेयर बाथरूम में जाता है कि नहीं. एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड दैट द व्हीलचेयर वॉज गोइंग इन द बाथरूम एंड शी जॉइंड लोनावाला एंड शी पार्टिसिपेटेड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी. डांस भी किया इन्होंने व्हीलचेयर पे बैठ के डांस भी किया. थैंक यू सो मच दीनू. थैंक यू सो मच. That entire आपका books and plate and I will give my real brother as a Rakhi gift and my sister also. Wow. I decided abhi I'll buy the whole set for my siblings. So होता क्या है? Now I will tell you. देखिए जब हम अच्छे mood में रहते हैं, जब हम happy रहते हैं, तो हमारे सपने जल्दी पूरे होते हैं. Goods we are attracting good things. So I remember. She was on the wheelchair and she participated in all the activities in Lonawala. जब हम 2nd to 5th of July गए थे, वहाँ पर तीन लोग आए थे on wheelchair and everybody participated in all our dance program, all our activities, everything. So what happens is, जब हम happy होते हैं, तो we attract good things, events and circumstances. Thank you very much. Wow, wonderful. ओके रूपाली वी विल टेक इट आफ्टरवर्ड्स बिकॉज हमारा टाइम का बहुत कंसिडरेशन होने वाला है. ओके सो लेट्स बिगिन दिस प्रोग्राम. सो लेट्स स्टार्ट बाय क्लैपिंग एंड सेइंग टू अवर सेल्फ टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. आज तो मजा आने वाला है. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. वाओ वंडरफुल. कीप ऑन क्लैपिंग, कीप ऑन क्लैपिंग. यस 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 यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके वंडरफुल. सो आई विल जस्ट ओके सो टुडे we are starting the sessions. So what we are going to do is pehle hum affirmation cards padhenge, ek card padhenge roz, aur uske baad mein ek gratitude card padhenge, and then we'll do a gratitude prayer in half an hour. Okay, so now so let me introduce today. To actually mere paas jo soft copy hai na usme ye do card nahi hai. Now these are joker cards. Ye joker card hai. Okay, दीज आर जोकर कार्ड्स. तो अब इसमें क्या बताया है मैंने, मैं आपको इन शॉर्ट बता दूंगा क्या लिखा है इसमें. ये है लव का कार्ड. सो वी स्टार्ट विथ सेल्फ लव. अब इस कार्ड में ये लिखा है लव इज द ब्यूटी ऑफ सोल. ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ लव एंड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस. हम इस धरती पे पैदा ही हुए प्यार से. पहले आपने अपने आप को प्यार से भरना है, और जैसे आप अपने आप को प्यार से भरोगे तो ही आप दूसरों को प्यार दे सकते हैं. अगर कुएं में पानी नहीं रहेगा तो आपने अगर बाल्टी डालोगे तो पानी नहीं निकलेगा. करेक्ट. आपके जेब में पैसे रहेंगे तो ही तो आप किसी को दे सकते हो ना. सिमिलरली इफ यू आर नॉट फिल्ड विथ लव यू कैन नॉट गिव लव. इफ यू आर नॉट फिल्ड विथ लव यू कैन नॉट रिसीव मोर लव. तो सबसे पहले हम खुद से प्यार करेंगे, और खुद से प्यार करने का एक तरीका होता है जो है एक बुक कॉल मिरर वर्क. मिरर वर्क बाय लुई हे. वो 21 डेज का प्रोग्राम है जो हमने भी किया है. करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द मिरर वर्क. करेक्ट. बाय एनी ने कराया था, अश्विन मैम ने भी कराया था. बहुत ही बढ़िया बुक है, पर वो आप करोगे अकेले तो नहीं समझ में आएगा. जब हम आपको कराते हैं तो वो समझ में आता है. एनीवे मैंने क्या किया है, वो पूरी बुक का एक क्रस्ट बना दिया है एक सिंपल सा कार्ड में. अब आपने क्या करना है, मिरर के सामने खड़ा रहना है एंड यू हैव टू से मैं जो बोलता हूं वैसे. ओके सो लेट अस डू ऑल, लेट अस एवरीबॉडी डू दिस. करेक्ट. इसका नाम है एल रेग. एल का मतलब होता है लव, आर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ए का मतलब होता है एक्सेप्ट, जी का मतलब होता है ग्रेटफुल. कैन समबडी टाइप दिस एल रेग, कैपिटल में करना एल रेग. ओके सो एल रेग हम क्या करेंगे, हमने मिरर के सामने खड़ा रहना है. तो एवरीबडी कैन डू वन मोर थिंग, आइदर दे कैन स्विच ऑन देयर वीडियो. देखिए नोबडी इज गोइंग टू जज यू. आपने कैसे कपड़े पहने हैं, मेकअप लगाया नहीं लगाया, कोई फिक्र नहीं करो. अपना वीडियो शुरू करें एंड लुक इन टू योर आईज, लुक इन टू योर आईज एंड आपने बोलना है. देखो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड से टू योर सेल्फ
Now, this is a very, very powerful exercise. I am telling you, ये आपकी जिंदगी की काया पलट कर सकता है. आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लो कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ा देगा जस्ट बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस. एंड रिमेंबर, यू हैव टू से विद फीलिंग्स. ओके, एल का मतलब है लव. सो नाउ कैसे बोलना है? आई लव यू. आपने अपना नाम लेना है, करेक्ट? जैसे कि मैं अगर बोलता हूं आई लव यू राजन द वे यू आर, एंड आई लव यू द वे यू आर नॉट. ओके, कम ऑन नाउ एवरीबॉडी, आई लव यू, से योर नेम द वे यू आर. आप जैसे हो मैं तुझसे प्यार करता हूं राजन, या आपने अपना नाम बोलना है. एंड आई लव यू द वे यू आर नॉट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, रिस्पेक्ट. आई रिस्पेक्ट यू, से योर नेम फॉर हु यू आर, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर नॉट. लुक इन टू द आईज, आपने अपनी आंखों में देख के बोलना है. आई रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर नॉट. थर्ड होता है एक्सेप्ट. आई एक्सेप्ट यू, से योर नेम द वे यू आर, एंड आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर नॉट. फोर्थ है आई एम ग्रेटफुल. आई एम ग्रेटफुल, आपने अपना नाम बोलना है, फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव नॉट डन फॉर मी. आई लव यू, आई रियली रियली लव यू. Just keep on telling to yourself, क्योंकि आपके अंदर एक बच्चा है, and you have to love that child. Now, these are the small, small practices. They are scientifically designed. आपको शिद्दत से करना है. हमेशा कभी भी मिरर के सामने आप जाओ, आंखों में आंखें डाल के, just keep on telling to yourself, I love you, darling. You are the best. I love you. Now, is that clear? Okay. सेकेंड इज, नाउ दिस इज ऑल्सो अ जोकर कार्ड. ये जोकर कार्ड का मतलब है ये दो कार्ड को आप कभी भी पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड कार्ड इज ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड कार्ड है ये. पहला वाला था लव, क्योंकि लव एंड ग्रैटिट्यूड ये दोनों को हाईएस्ट इमोशंस रहते हैं. सबसे ज्यादा इमोशंस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ये दो इमोशंस में रहती है, लव एंड ग्रैटिट्यूड. जस्ट recollect your days when you were in love for the first time. How you were behaving? Aapki energies kaisi thi? Aapki frequencies? Sab kuch achha lagta tha when you were in love. So love kya jo emotion hai is very, very powerful. Same thing is with gratitude. Ab gratitude matlab thank you bolna, kisi ki tarif karna, wo bhi ek gratitude hai. Kisi ko compliment dena, wo bhi ek gratitude hai. किसी को एक्नॉलेज करना वो भी एक ग्रैटिट्यूड है. आई रिपीट, आप अगर किसी की तारीफ करते हो वो भी थैंक यू बोलने के बराबर है. हम किसी की तारीफ नहीं करते क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं किसी ने. मन के अंदर बोल लगता है कि वो अच्छी दिख रही, बट वी नेवर शेयर इट, वी नेवर से इट, ऑलवेज एप्रिशिएट. ओके, सो नाउ ये एक एप्रिसिएशन की गेम खेलने का है, क्योंकि एप्रिसिएशन इज द ब्राइटेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड. व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ एप्रिसिएशन, यू आर इन वाइब्रेशनल अलाइनमेंट विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड, द हाईएस्ट वाइब्रेशनल इमोशन. ये आप अकेले भी खेल सकते हैं और अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ या फैमिली के साथ में भी खेल सकते हैं. तो आपने करना क्या है, अगर आप अकेले खेल रहे हो तो आपने क्या करना है, जैसे कि आपको कभी गुस्सा आ गया या आपको डिप्रेशन हो गया है या आपको कभी किसी की चिंता हो रही है, तो आपने क्या करना, खुद की तारीफ करना. स्टार्ट एप्रिशिएटिंग योर सेल्फ एवरीथिंग, यू कैन काउंट अप टू 52. 52 चीजों की अपनी खुद की तारीफ करो. फॉर एग्जाम्पल, वाओ राजन, यू लुक सो ब्यूटिफुल, माई हेयर इज वंडरफुल, वेरी सॉफ्ट एंड सिल्की, माई आईज आर ब्यूटिफुल, आई कैन सी एवरीथिंग, थैंक यू, क्या बढ़िया आंखें है मेरी, क्या मेरे स्किल है, आई हैव गॉट अमेजिंग स्किल्स, आई एम अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्टर, आई एम अ वेरी गुड एनालिस्ट, वाओ, आई एम रियली फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम सो प्राउड ऑफ माय हार्ट इज बीटिंग 24/7, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस. कीप ऑन अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ. जो भी आपकी स्किल्स हैं, आपको रोटी बनाना आता है, आपकी रोटी अगर गोल बनती है तो उसको भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो.
खुद की तारीफ करना सीखो विच एवर वे. वाओ कितना बढ़िया घर है मेरा, वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम लिविंग इन दिस वंडरफुल हाउस, वाओ मेरा इंटरनेट का कनेक्शन, आई एम सो ब्लेस टू हैव अ लैपटॉप, आई एम सो ब्लेस टू हैव माई पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम आर अलाइव, वाओ. कीप ऑन अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव अप टू द काउंट ऑफ 52. मैं आपको बताता हूं, आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी चिंता आउट निकल जाएगी. ये टेक्निक्स है भाई, आपके माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, याद रखना. आपके माइंड को कंट्रोल करना भी मत, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं बस. तो कैसे डाइवर्ट किया, लेट्स प्ले द गेम ऑफ एप्रिसिएशन. अब जैसे मल्टीपल प्लेयर, जैसे कि सपोज आप अपने वाइफ के साथ में खेल रहे हैं या हस्बैंड के साथ खेल रहे हैं, तो आपने उसकी तारीफ करना, उसने आपकी तारीफ करना, राइट? एंड यू कीप ऑन प्लेइंग दिस गेम. कुछ भी, क्या बढ़िया गाली दी थी, क्या बढ़िया गुस्सा किया था तूने, क्या बढ़िया खाना बनाती है, दैट डे यू आर लुकिंग गुड इन दैट ड्रेस, आई रियली अप्रिशिएट योर यू नो ट्रेवल टिकट्स बुकिंग्स एंड एवरीथिंग, वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग सो एंड सो थिंग्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ माई हाउस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ माई पेरेंट्स. सिमिलरली छाया, इफ यू टू, सो छाया हैज टू अप्रिशिएट मी, मतलब 1:1 गेम खेलना है, फिर देखते कौन हारता है, राइट? So this is appreciate the beauty, the looks, the knowledge, the skill, the behavior, the favors, the habits of yourself or your partner. ये मैंने इस कार्ड में लिखा है. Now is this very clear? Okay. So now we will start with the card number 1. ये पहला कार्ड को हम शुरू करेंगे. So let me start with this card. So who's the reader? Okay, somebody. I can't see because anybody wants to, I guess, just raise your hand who want to read the card. Okay. Suresh Somani ji, please unmute yourself. Aapne card number 1 padhna hai. I am in love with myself. I am a proud of who I am. I am a sexy. I am a romantic. Stop. I love myself. Take minute, please. I accept myself. I respect myself. I appreciate myself every day. रुक जाओ. सुरेश सुमानी रुक जाओ. Yes sir. रुकिए. आपने क्या करना है, देखो अभी आप गलती कर रहे हैं. अब आपने इसको धीरे धीरे पढ़ना है और फीलिंग के साथ पढ़ो. देखिए हमको गड़बड़ नहीं करनी है. ये अफर्मेशन की गेम है. आपका माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है. आई एम इन लव विथ माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम. I am sexy. I am romance. थोड़ा भाव लाओ जरा. मजा आएगा आज. ओके. यस सर पढ़ो वापस. हाँ जी करें. I am in love with myself. I am a proud of who I am. I am a sexy. I am a romantic. I wow. love myself. Okay. I accept myself. I respect myself. I appreciate myself every day. Thank you. Wait. एक मिनट रुकिए. Okay. So now, मेरा एक और कहना है सबको. ये जो कार्ड है आपने अपनी लैंग्वेज में बोलना है, राइट? आपने जो भाषा में आपको फीलिंग्स आती हैं, उसमें आपने बाद में बोलना है. अब हम प्रैक्टिस करेंगे एक बार क्लास में और आपने इसको जो है जितनी ज्यादा टाइम करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपका. ओके कंटिन्यू. आई एम ए रॉक स्टार. आई एम ए ग्रेटफुल फॉर द लव इन माई लाइफ. आई एम ए लविंग माई सेल्फ. आई एम ए ओपन टू लव. ओके स्टॉप. सो आई विल रिपीट. मैं एक रॉक स्टार हूं. मेरी मां ने एक सुरमा पैदा किया है. I am grateful for the love in my life. जितना भी मुझे प्यार मिला है उस सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूं. मैं खुद को बहुत प्यार करता हूं और मैं ओपन हूं. I am open to love. Thank you. Next. I give love to everyone wherever I go. I find love everywhere I go. I am
वंडरफुल वुमन बीइंग ओके एंड जहां ओके आई गिव लव टू एवरीवन, मैं जहां जाता हूं वहां मैं प्यार देता हूं, मैं सब जगह मैं प्यार को ढूंढ लेता हूं, प्यार मुझे ढूंढ लेता है, मैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हूं, आई एम अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वाओ आई एम जस्ट प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट, आई लव हु आई एम, सो डज माय पार्टनर, द यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग माय सोलमेट टू मी, आई एम लवेबल, वंडरफुल, ओके, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और मेरी पार्टनर, मेरा पार्टनर है वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता है, ये जो ब्रह्मांड है इज ब्रिंगिंग माय सोलमेट टू मी, आई एम लवेबल, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं एंड आई एम ओपन टू लव, वाओ, नेक्स्ट, आई लव माय सेल्फ अनकंडीशनली, आई एम लिविंग इन ए फ्रेंडली यूनिवर्स, आई ट्रांसमिट लव टू माई ड्रीम्स, मैं खुद से अनकंडीशनल प्यार करता हूं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, आई एम लिविंग इन अ फ्रेंडली यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है जहां कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, आई ट्रांसमिट लव टू माई ड्रीम्स, मैं मेरे सपनों को प्यार भेज रहा हूं, आई एम ट्रांसमिटिंग, आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम्स, और मेरे सपने तो पूरे होने वाले हैं, पक्का होने वाले हैं, नेक्स्ट, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट माय लाइफ इज फुल ऑफ लव, आई फाइंड लव एवरीवेयर आई गो, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट माय लाइफ इज, मेरी जिंदगी पूरी प्यार से भर गई है, आई लव हु आई एम, मैं जो हूं उससे बहुत प्यार कर रहा हूं, आई लव वॉट आई डू, मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं, आई लव हु आई एम बिकमिंग, मैं जैसा इंसान बन रहा हूं मैं खुद से बहुत प्यार कर रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो दिस इज द कार्ड दैट वी आर गोइंग टू रीड, रोज एक कार्ड पढ़ेंगे, अब जो है नेक्स्ट पार्ट इज अवर ग्रेटिट्यूड कार्ड्स, ओके, सो नाउ ग्रेटिट्यूड कार्ड का बॉक्स सबके पास, जिनके पास है इनके पास यहां पर एक मिरर है, ओके, एवरीबॉडी कैन जस्ट लुक इनटू माय, वन मिनट आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग, सो दिस इज द ग्रेटिट्यूड बॉक्स, यहां पर एक मिरर है, इस मिरर के अंदर देखिए आपको यहां पर एक मिरर दिया गया है और आपने उसके अंदर देख के बोलना है आई एम द बेस्ट, सो आपने अपनी आंखों को देखना है, लुक इनटू द मिरर एंड से टू योरसेल्फ आई एम द बेस्ट, I am beautiful. I love you. I am good enough. I am a rock star. I am awesome. I deserve good things. I am the winner. अब ये सिंपल सी प्रैक्टिस है and I can promise you this will help you transform your life. आपको अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो गुस्सा कम हो जाएगा. Your mind will become peaceful just by practicing this for the next 52 days. Just look into the mirror and just say to yourself. Is that okay? ये समझ में आया कैसे क्या करना है? So now, so let us start with the first card. Gratitude is, yes, I am the best. Yes, you can do that also. One of my favorite songs. Okay, so who's reading this card? Abhi, Shaila. Okay, Shaila will read. I am allowing you to unmute yourself. So this yes. is the secret today. Mute first. One minute. What's happening? Okay, so start. Gratitude is magical. अब देखो मैंने ये जो cards बनाए हैं शैला, are you there? There, sir. Sir, can you hear me? Yeah. Yes. Shall I read, sir? तो मैंने ये जो cards बनाए हैं, these are gratitude cards, और उसमें मैंने एक-एक posters बनाए हैं यहाँ पर. ये इंडिया को थीम लेके बनाया है बिकॉज आई लव इंडिया. हमारा एक विजन ये भी है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है.
तो मैंने यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसका पिक्चर डाला है हर एक कार्ड के ऊपर अलग अलग. ओके सो लेट्स स्टार्ट. यू आर ऑन म्यूट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. व्हाट कैन यू डू राइट नाउ टू बिगिन टू टर्न योर लाइफ अराउंड. The very first thing is to start making a list of things to be grateful for. Thank you so much, sir. Wait, iska piche ka part bhi hai, wo bhi padhna hai. To ye kya hai? Gratitude is magical. Hum sabhi logon ne, bahut sare logon ne magic book ki hai. 2 saal tak, 3 saal tak hum sab log karte rahe. How many of you all have done this magic book? Right? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, just type yes because there are a lot of new participants जिनको समझ में नहीं आएगा कि ये मैजिक बुक क्या होता है. मैजिक बुक एक बुक है रिटन बाय रोंडा ब्रांड. 28 चैप्टर्स है उसमें और हम अलग अलग तरीके से उसको थैंक यू बोलना सीखते हैं. हम सब ने, जिन जिन लोगों ने ये वर्कशॉप किए हैं मैजिक बुक की, उनको समझ में आया है ग्रेटिट्यूड करने से जादू होते हैं. अब मेरा पहला कार्ड ये है ग्रेटिट्यूड इज मैजिकल. तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी पूरा यू टर्न ले लेवे. जैसे कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको पैसे कैसे ज्यादा मिला सकता है. आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपकी तबीयत कैसे ठीक कर सकते हो. आपके संबंध अच्छे नहीं है, आप क्या करना, तो आपकी जिंदगी लाइफ टर्न अराउंड हो गया. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. जो आपके पास है उसका आपने शुक्रिया करना है. यू हैव टू फील द ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव. अब अगर आपको नई गाड़ी खरीदनी है तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसका शुक्रिया करना है. दैट इज द फास्टेस्ट वे टू अट्रैक्ट द कार ऑफ योर ड्रीम्स. पर हम उल्टा कर देते कभी कभी. अरे ये तो खच्चर गाड़ी है, अब पुरानी हो गई है, अब इसमें तो रोज कुछ ना कुछ काम निकलता है, एवरेज भी अच्छा नहीं देती, म्यूजिक सिस्टम अच्छा नहीं, एसी नहीं, हम उसकी बुराइयां करते रहते हैं. मैं आपको जो आज टेक्निक सिखा रहा हूं, दिस टेक्निक इज यूनिवर्सल. जिन जिन लोगों ने अबंडेंस क्रिएट किया अपनी जिंदगी में, दे आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव. एंड नाउ द टेक्निक इज यू स्टार्ट एप्रिशिएटिंग योरसेल्फ. Now you start appreciating the things that you want in your life. अगर आपको Mercedes गाड़ी खरीदनी है, भले आपके पास मारुति 800 है, now you want to buy a Mercedes, तो you keep on appreciating. किसी की भी Mercedes आए, wow क्या गाड़ी है, मेरा भी एक दिन गाड़ी आने वाली है, I am going to get this car. Red color की गाड़ी होगी, S class होगी, E class होगी, जो भी आपको समझ में आता है, petrol गाड़ी होगी, diesel गाड़ी होगी, लाल color की होगी, सफेद, मेरी आने वाली है. And you give lots of love. This is law of attraction. ये एक प्रकृति का नियम है. Okay? तो आपके पास जो है उसकी पहले लिस्ट बनाए और उसको ग्रेटफुल हो जाए. Read on the left hand side. So that is the continuation of card one. Yes. Start feeling grateful for all the things that you feel good about. Make a list of everything you are grateful for. Write minimum 9 blessings daily. Wonderful. Thank you very much. So now, today is the day one. ये chapter, ये card खत्म होता है. अब ये card में हम foundations कर रहे हैं. आपने क्या करना है? जो book दी गई है, जो आपकी जो book है, that Abundance Gratitude Journal, उसके अंदर आपने 9 blessings रोज लिखना है. Okay? अब आप बोलोगे कैसे लिखना? तो मैं मेरा एक पेज पढ़ के सुना देता हूँ. तो आपको आइडिया आ जाएगा. अब जैसे कि मैंने नाउ दीज आर, मैंने ये बुक लिखना शुरू कर दिया था जब हम लोनावाला से वापस आए, तब 6 जुलाई से लिखना चालू कर दिया था मैंने. फ्रॉम 6th ऑफ जुलाई आई एम राइटिंग एवरीडे 9 ग्रेटिट्यूड्स इन दिस बुक. और यहां पर ऊपर पहला जो है मैंने टिप दिया हुआ है, एक टिप दिया है. एवरीडे आई हैव गिवन वन टिप के किसका थैंक यू करना है आपको. ओके okay? और नीचे में यहां पर एक कोट लिखा है. नाउ आई एम टेलिंग यू ग्रेटिट्यूड इज द फास्टेस्ट वे टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट. ग्रेटिट्यूड इज अ हीलर.
अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है आपको हील करेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आई कैन गारंटी, आई कैन प्रॉमिस, आई कैन वाउच फॉर इट। अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी मिलेगी, सोलमेट चाहिए सोलमेट मिलेगा, रिलेशनशिप सबके लिए ये ग्रेटिट्यूड काम आ जाएगा। पहले आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, सो जस्ट लेट मी रीड आउट वन थिंग टुडे। सो मेरा जो पहला जो ग्रेटिट्यूड, दिस इज फॉर मी, मैं लिखता हूं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स अलाइनिंग विथ मी टू अट्रैक्ट रुपीज 100 करोड़ स्टॉक पोर्टफोलियो वैल्यूएशंस, ब्रिंगिंग अलोंग विथ फेम, जॉय, विजडम, एक्साइटमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इन टू माई लाइफ। अब आपने भी ऐसे कुछ बनाना है, आपके दिन में जो जो अच्छी चीजें हुई उसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का करो, अपने हार्ट का करो, अपने शरीर का करो, अपने घर का करो, अपनी नौकरी का करो, अपनी कंपनी का करो, अपने बॉस का करो, अपने बेस्ट फ्रेंड का करो, अपनी कोई गर्लफ्रेंड को याद करके उसका भी शुक्रिया कर दो, बॉयफ्रेंड को याद करके कर दो, जो आपके मन में आता है जस्ट कीप ऑन राइटिंग 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जस्ट कीप ऑन राइटिंग, प्रैक्टिस शुरू करो, आपको ऑटोमेटिक आइडियाज आएंगी। एंड कीप दिस प्रैक्टिस कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन डूइंग इट, और मैं ये करने में मुझे बहुत फायदे हुए हैं और सबको हुए हैं जिन जिन लोगों ने किए हो। नाउ सो दिस इज वेर वी एंड, सो ओके वन मिनट। So now if you anybody has any questions, we can, you can just ask before we start our gratitude prayer. Okay, anybody has any questions about affirmations and gratitude? ये दो चीज इतनी powerful है कि आपकी life को change कर सकती है, और पूरी दुनिया में magic clubs form किए गए हैं। Magic club में जहां पर लोग जाते हैं, they keep on sharing in every city. तो हमने भी ऐसे ग्रुप बना के रखे हैं, दिल्ली का ग्रुप अलग है हमारा, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ सॉरी ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, पुणे का ग्रुप है और एक अहमदाबाद का है, गुजरात का। हमने भी ऐसे ऐसे ग्रुप बना दिए हैं कि जहां पर सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, दे आर इन इंटरेक्शन, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर शेयरिंग देयर मैजिक्स। So this is the power of gratitude. This is the power of affirmation. If there is any questions, you can just ask. So you can just unmute yourself. I have allowed you to unmute. Sir, I want to ask a question. Sir, good evening, sir. हाँ जी, एक-एक करके करें. We'll take only 2-3 questions before. Yes. हाँ जी. Sir, मैं पिछले 2 सालों से gratitude diary लिख रहा हूँ. Okay. अपनी diary के अंदर. और उसमें मैं जो कर रहा हूँ, जो एक दिन पहले जो मेरे साथ अच्छा होता है वो 10 चीजें मैं उसके अंदर लिखता हूँ, चाहे मेरी मदर मेरे लिए खाना बनाती है, चाहे मेरी वाइफ बनाती है, चाहे मेरे ऑफिस में मेरा पीएन प्लेट देता है, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी खाते में ऑर्डर देता है या पेमेंट डालता है, तो ईच एंड एवरीथिंग का मैं उसमें 10 डेली लिखता हूँ जो हमको सिखाया गया था। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, यू आर एन एक्सपर्ट, सो नथिंग टू, सो इज देयर एनी क्वेश्चन? मैं ऐसे ही लिखते रहे सर, हम उसको जो है 100%। देखो एक और टेक्निक बताता हूँ, मैग्निफिशिएंट आउटकम, जो आपको कल जिसके साथ मीटिंग होने वाली है ना उसके बारे में भी लिखते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि जो मेरी मीटिंग उसके साथ हो गई, मतलब होने वाली है, उसमें उसने मेरी सभी बातें मान ली और मेरे सभी काम, मेरे मन चाहा काम हो गया। ठीक है सर, ठीक है, ये मैग्निफिशिएंट आउटकम बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, आपने अपने पास्ट के बारे में ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, अपने प्रेजेंट को लेके लिख सकते हैं और फ्यूचर को लेके लिख सकते हैं। Think of anything that comes into your mind. You just, it is about feelings. ठीक सर, सर जैसे मेरे को नई कार लेनी है तो डेली उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना शुरू करता हूँ। Perfect, very good idea, smart idea. I am so happy and grateful कि मैं मेरी नई मर्सिडीज कार, लाल कलर की डीजल मॉडल, SE क्लास मॉडल, आपने अपना गाड़ी का नंबर भी दे देना है, एंड आई एम मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का। आई एम सो ब्लेस, थैंक्स अ मिलियन, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, any questions? So please unmute yourself. Deepika. Sir? Yes, sir. Haan ji. Sir, jo ye aapne group banaya hua hai, I'm from Delhi.
then can I also be added in that group? Okay, I will share the group details. मैं सभी group के details add कर दूँगा. Okay, next, Anupam. Sir, just wanted to check if you know if we are traveling or something. So if we skip this gratitude for any you know situation. So see, I will tell you one thing. ये सिद्धत की बात है, Anupam. ये सिद्धत की बात है. अगर आपको सपने पूरे करने हैं ना, trust me, don't miss this. It is just a small book, yeah. Just carry it. I am telling you, this is the best. मतलब मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया का सबसे बढ़िया साइंस है और इजी साइंस है. To accomplish your dreams, man, it is about your energies. Right. एक बार आपको आदत पड़ गई ना इसकी, फिर आप देखो कैसे कैसे जादू होते हैं. And you will start believing. There are magics. What do you think we all are doing it? And I am doing it for what? Why am I inspiring you? Yes. Why am I talking with so much of confidence? Correct. Not only me, but thousands of other people who have done our workshop, they have been inspired. Yes, Sadananja, please. So we are sir, one more question, sir. Okay. So you said that we can club both. I mean, the gratitude plus the wishes also in the. मतलब देखो इसमें टेक्निक कैसी है कि आपकी जो सपने हैं वो आपने क्या लिखना वो पूरे हो गए हैं. Right. देखो आपका माइंड को नहीं समझता व्हाट इज रियल व्हाट इज फेक. ओके करेक्ट. तो नाउ आई एम राइटिंग वाओ. सी नाउ मेरा जो है तो मैंने क्या किया है, मेरा जो आईफोन है मेरा, ये इसमें देखो ये इधर. तो मेरे आई एम अ राइटर, आई एम अ ऑथर. सो हाउ आई मेड 100 करोड़ इन स्टॉक मार्केट, ये मैंने मेरा बुक का कवर पेज बना दिया है और उसको मेरा डीपी पिक्चर बना दिया है. मेरे पास है नहीं बट मैंने प्रेजेंट टेंस में लिखा है हाउ. So my mind has to believe कि भाई मेरे पास already 100 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया है. This is brilliant, sir. Actually, you have covered both actually. Gratitude plus your wishes. Yes. Okay, sir. Thank you. Got it. Thank you so much. So we and have. This is very helpful. I got this book today. Thank you so much. So now start writing. अब आपको इसकी आदत गिरानी है. And I promise you, ये 90 day book का challenge है. 90 days के अंदर देखो कैसे कैसे जादू होंगे. Last में book के ऊपर लिखा है, last page पे. कि क्या क्या जादू हुए आपके लाइफ में वो लिखना है और उसके बाद में वापस खरीदना है. डोंट थिंक अबाउट नॉट टू स्पेंड मनी, स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ. यस सर, वी आर रेडी टू स्पेंड. थैंक यू सो मच. क्योंकि ऐसे या हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सदानंद. सर आई एम फ्रॉम दिल्ली. सर एक फिलोसफी को मैं फॉलो करता हूँ पिछले 5 साल से सर, और उसमें मुझे ना उस नम्यो होरेंगे क्यों है, और मुझे ग्रेटिट्यूड वर्ड समझने में सर 2 साल लग गए थे. नाउ सर आई एम टेलिंग यू सर, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि मैं डेली किसान को, फल वाले को, सब्जी वाले को, रिक्शा वाले को, इवन मैं ऑफिस आता जाता हूँ सर मेट्रो मैं सबको, जो CISF वाले हैं मैं उन सबको ग्रेटिट्यूड देता हूं सर कि वो हमारी रक्षा करते हैं और हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, और शाम में जब हम घर आते हैं और अपनी फैमिली से हम मिलते हैं सर, रियली उस वक्त लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जो है मुझे मिली है सर. वाओ, मुझे यस मैं ऐसा फील करता हूं. मुझे लगता है कि मुझे लगता है सो लेट अस स्टॉप हियर बिकॉज वी विल जस्ट कंट्रोल अवर टाइमिंग्स बिकॉज This is what we want to maintain the discipline this time. क्योंकि 3 महीना चलने वाला है, we'll have lots of time to share. मुझे स्टॉक में सर आगे बढ़ना है, वो आपको मैं बाद में कॉल करूंगा सर. Don't worry, आपको देखिए मैं आपको बताता हूँ जिन जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना है जी. मैं आपको एक बहुत पावरफुल टिप देता हूँ. मैं पहले माइंड को ठीक करो यार, मैं बता रहा हूँ मैं. Okay. पहले इसको ठीक करो, स्टार्ट योर ग्रेटिट्यूड, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, डू योर अफर्मेशंस, और फिर देखो कैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ते जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो द होल आइडिया इज, अरे मैं आपका प्रॉफिट तो मैं ऐसे करा दूंगा, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा. थैंक यू सो मच. बट जस्ट सरेंडर टू व्हाट आई एम सेइंग. प्लीज कंडीशन योर माइंड फर्स्ट. पहले हम माइंड को एकदम रिसेप्टिव कर देंगे पहला तो. ओके Yeah. So let's start with our gratitude prayer because we have to, our special guest also. So everybody please sit down. Sir, colored pen से लिखने का क्या मतलब, मतलब colored से लिखने से क्या फायदे? Color pen का लिखने का मतलब ये है कि देखिए मैं आपको सबको बोलता हूँ, ये जो Immobile कंपनी है 60 रुपए की, 70 रुपए की, I don't know जितने भी आती रहेगी, 10 कलर हैं. मैं हर एक gratitude अलग अलग कलर से लिखता हूँ. उसका कारण ये है
आई एम ट्रेनिंग माई माइंड टू एक्सेप्ट चेंज, टू एंटिसिपेट चेंज एंड आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ कलरफुल. होता क्या है, हमारा माइंड जो है ना, नहीं नहीं मुझे तो सुबह 8 बजे चाय चाहिए नहीं तो मेरा माथा खनक जाता है. जो बूढ़े लोग रहते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं, हेकड़ बन जाते, वो सुनते ही नहीं किसी की, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन टू बी चेंज. समझ में आ रहा है क्या? एवरी दिन मैं अलग अलग टूथपेस्ट, मेरे पास बाथरूम में हर जगह पे 3 अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट रहते हैं. वाओ, मेरे पास अलग अलग सनस्क्रीन अलग अलग है, मेरे ये घर में अलग है, वो घर में अलग है, मेरी क्रीम अलग है, मेरा जो स्क्रब है, मेरे जो आई मीन बॉडी लोशन है, मेरा शेविंग क्रीम है, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सो आई जस्ट कीप ऑन, इवन द सोप, साबुन जो है आपने अलग अलग लाना है. नहीं नहीं मुझे तो यही साबुन पसंद है, मैं तो बरसों हो गए लक्स का साबुन वापरते हूँ. थैंक यू वेरी मच. राइट सर. अब वाइफ का तो ऐसा है, आप अमेरिका चले जाओ सर. सर मैं अभी आज 3 कलर. परफेक्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट चेंज. वाइफ के बारे में हम कल बैठे करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ है. सर सो एनीवे सर, अंशुल हियर, आवर स्पेशल गेस्ट हैज जॉइंड, ज्योति सेठी फ्रॉम कच्छ गुजरात. ओके ओके, जस्ट गिव जॉइंड. Okay, just 2-3 minutes. We do our gratitude prayer. Yes. Ek baar ek gratitude prayer kar lete. Everybody, please close your eyes and just sit down. Take a deep breath. Ek lambi gehri saans le. Pet baar aana chahiye. And exhale. One more deep breath. Ek lambi gehri saans. Aur puri body ko relax kar dein. Saanson ko chhodein. Dheere, dheere, dheere. I say thank you to thank you. Main shukrana ka shukriya karta hoon. जब से मैंने शुक्रिया करना सीखा है मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई है. चारों ओर से अबंडेंस ही अबंडेंस, बहुत मजा आ रहा है जिंदगी जीने का. आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग गुड हेल्थ, आई एम अट्रैक्टिंग वेरी गुड रिलेशनशिप. आई हैव स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, आई जस्ट लव माई सेल्फ एंड देयरफॉर आई से थैंक यू टू थैंक यू. आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड. थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, यू आर द बेस्ट. जो मेरी मम्मी ने, जो मेरे पापा ने मेरे लिए किया और किसी ने भी नहीं किया. आई एम सो ब्लेस्ड पापा, यू आर द बेस्ट. मम्मी यू आर द बेस्ट एंड आई लव यू. पापा ने मेरे लिए कितना मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पैसे कमाए, मेरे मुझे स्कूल में भेजा, मुझे कितनी जगह घुमाने लेके गए, बहुत सारे खिलौने खरीद के दिए मुझे व्हेन आई वाज स्मॉल. माय पापा डिड एवरीथिंग फॉर मी. मेरी शादी भी पापा ने कराई, मुझे हनीमून पर भी भेजा था. ऑल द एक्सपेंसेस माय फादर हैड डन. इतना मेहनत करते थे मेरे लिए. थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट. थैंक यू मम्मी, आपने मुझे दूध पिलाया, खाना बना के खिलाया, मेरा फेवरेट खाना आप ही बनाती हैं. यू आर सो नाइस, यू आर सो काइंड. आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई मदर. थैंक यू मम्मी and I love you. Thank you to my heart. मेरे दिल का शुक्रिया. 24/7 beat करता है, blood circulate करता है. आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैं जिंदा हूँ. Thank you so much. Thank you to my face. Thank you to my eyes. मुझे सब कुछ दिखाई देता है. मेरे कानों का शुक्रिया. I can hear everything. I look like a rock star. I am so beautiful. I'm so blessed. Thank you to my kidney. Thank you to my lungs. Thank you to my hands. हाथों का शुक्रिया, पाँव का शुक्रिया, मेरी mind, body और आत्मा का शुक्रिया. आत्मा नमस्ते. Thank you to my soul. I'm in peace. बहुत अच्छा लग रहा है. I'm so happy. I'm so grateful. Thank you. Thank you to my house. इतना बढ़िया घर है मेरा, इतना सुंदर घर है मेरा. इस घर का शुक्रिया. इस घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टीवी है, उसका शुक्रिया, फ्रिज का शुक्रिया, पंखे का शुक्रिया, इतना बढ़िया एसी चल रहा है मेरा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू टू माय कार, थैंक यू टू माय मोटरसाइकिल, थैंक यू टू माय साइकिल. वाओ,
मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी है, उस गाड़ी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे पास नौकरी है, उस नौकरी का शुक्रिया। मेरे पास बिजनेस है, उस बिजनेस का शुक्रिया। इतने सारे पैसे आ रहे हैं, उस पैसों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिकॉज ऑफ द मनी दैट आई एम अर्निंग, आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, मैं एक अद्भुत जिंदगी जी रहा हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू टू ऑल माई मेंटर्स जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू अश्विन जी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमने ग्रैटिट्यूड करना सीखा है। एंड थैंक यू टू ऑल माई स्कूल टीचर्स, थैंक यू टू माई कॉलेज टीचर्स, थैंक यू राहुल जैन, थैंक यू गोपाल, थैंक यू ऑल माई टीचर्स। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। व्हेनेवर कंफर्टेबल प्लीज ओपन योर आईज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।